हाय गाइस, वेलकम टू अन्नपूर्णा किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी के टेस्टी चिल्ले। सो लेट्स स्टार्ट। अब इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप सूजी और 1 कप दही और आवश्यकता अनुसार पानी। अब हम एक बोल में 1 कप सूजी और 1 कप दही डाल लेंगे और अब इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब आवश्यकता अनुसार इसमें हम पानी मिला लेंगे। तो पानी हमें जब तक मिलाना है जब तक इसकी कंसिस्टेंसी चीले जैसी ना हो जाए। जब ये बैटर चीले की कंसिस्टेंसी जितना हो जाएगा तब हम इसे ढककर 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सूजी सारा पानी एब्जॉर्ब कर ले और हमारे चीले फूले फूले बने। पंद्रह मिनट बाद ये बैटर कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब हम इस बैटर में डालने के लिए अपनी सब्जियां काट लेंगे। सब्जियों में मैंने ली है एक छोटी प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन। अब हम इन सबको बैटर में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार लीजिएगा। हींग एक चुटकी या थोड़ा सा ज़्यादा, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च या डेगी मिर्च और ज़रा सा गरम मसाला। अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस चलाकर उस पर तवा रखकर गरम होने के बाद तवे पर ऑयल या तेल लगा लेंगे। अब मैं अपने बैटर को तवे पे चीले जैसे फैला लूंगी। हम गैस की फ्लेम लो रखेंगे और इसको ढककर पकाएंगे। आप इसको किसी भी लिड से ढक सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्लेट का इस्तेमाल किया है। लगभग 2 मिनट के बाद हमारा चीला कुछ ऐसा दिखने लगेगा। अब मैं इसको पलटकर दूसरी तरफ से भी सेक लूँगी। इसको हमें दूसरी तरफ से भी ढककर ही पकाना है, नहीं तो सूजी अंदर से कच्ची रह जाएगी। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है और हेल्दी ऑप्शन भी है। थैंक यू।